इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। मेरे आने तक का जो इंतजार था और जो वो तुम्हें अजियत दे रहा था, वो मुझे बहुत सुकून देता। आज यहाँ नहीं आता तो वहीं सजा खत्म हो चुकी होती। इस सब में रूमी का क्या कसूर? क्यों उसकी बहन है? मरीना पे सिर्फ हंसते हुए नजर आना मुझे इशारे का। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। वो ना असल में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और ऐसे कपड़ों में मुझसे रहा नहीं रहा था। मुंह दिखाई तो ली नहीं। चलो आ जाओ, शाबाश, तुम्हारे भी इतने अरमान होंगे ना मुंह दिखाई के, मुंह उठाने के। स्पीच तैयार किया तुमने? चलो आ जाओ, रेडी? हाँ चल। पहले घूंघट उठाते हैं, फिर मुंह दिखाई देते हैं, हाँ फिर से करेंगे। चले रेडी? मुंह दिखाई। हेलो इंद्रा, इंद्रा बिल्ली मार रहे हो? क्या? वो कहते हैं ना शुरू से ही ऊपर से आओ तो दबके रहती है। ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ट्राई भी मत करना। हाँ चलो बना बना बनाओ, चलो
क्या हुआ? कहाँ रह गए भाई? बस आ गई। हो गया सब? हाँ जी, नाश्ते की सारी चीजें तैयार हो गई हैं, बस रूट रास्ते से ले लें। अच्छा, ऐसा करेंगे कि पहले हमना की तरफ चलते हैं, उसे साथ लेकर फिर उमी की तरफ जाएंगे। ठीक। जी बेटा, नाश्ते के बाद की दवाई खा ली मैंने। गुड, ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह सदीकी साहब अपना ख्याल रखना आपने, ठीक है? और अच्छा सुनिए, हाँ कोई वो नाश्ता वास्ता लेके आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अरे बेटा, आपकी अम्मी ने सब कुछ तैयार कर लिया है, हम तो लेकर निकलने वाले हैं। क्या हुआ? हमना की तरफ ले जाए ना, किसी को क्या पता। वो असल में ना, हमजा कह रहे थे कि उनको ना ये फॉर्मेलिटीज बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो इसलिए उसने कहा था कि हम खुद ही आ जाएंगे आपसे मिलने। लेकिन बेटा ये सोच ले सदीकी साहब, दामाद है आपका, दामाद अगर नाराज वराज हो गए तो आपको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, चलो ठीक है। कब तक आ रहे हैं आप लोग? बस हम आते हैं थोड़ी देर में। हाँ अच्छा, ओके बाय। अब क्या कह रही है ये लड़की? कह रही है मैं और हमजा आपकी तरफ आ रहे हैं, नाश्ता लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो बावली है, आपने क्यों बात मानी इसकी? वो कह रही थी हमजा ने कहा है। बहरहाल आप तैयार करें जल्दी से, हमना क्या नाश्ता दे के वापस लौटना उनके आने से पहले। ठीक है बस। साढ़े 11 बज गए हैं बेटा, अभी तक वो लोग नहीं आए। अब वो लोग आते होंगे बस। नाश्ते का टाइम तो अब रहा नहीं, चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। मेरी उनसे फोन पर बात हुई है, वो लोग रास्ते में। मम्मी तब तक मुझे चाय दे दे। मैं बनाती थी। नहीं रुको, अच्छा नहीं लगेगा, आज तुम्हारी पहली सुबह है। मैं रुखसाना को कहती हूँ। मेरी बस अभी उनसे फोन पे बात हुई है, वो लोग रास्ते में 2 मिनट में आ रहे हैं। घर वालों को साफ साफ मना कर दिया कि नाश्ता लेके आने की कोई जरूरत नहीं। अरे बहुत अच्छा किया बेटा आपने, ये भी कोई बात है कि उन्होंने इतनी प्यारी बच्ची हमें दे दी, अब हम उनसे कहेंगे नाश्ता भी लाओ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। मेरे लिए? क्या आप लोग नाश्ता नहीं करेंगे? ऐसा करते हैं, मैं बनाती हूँ सबके लिए नाश्ता। हाँ हाँ यार, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। सुनो एक काम करो, 6-7 चीज ऑमलेट कर दो, ब्रेड तो पड़ी हुई है। अच्छा हाँ, डैड और हमजा जो है ना चाय लेंगे, और मैं और मॉम ऑरेंज जूस। चलो फटाफट ले आओ। आप लोग पूरा दिन में सिर्फ नाश्ता ही करते हैं। ये मजाक कर रही है, हम तीनों ने नाश्ता कर लिया है। मैं तुम्हारे लिए और हमजा के लिए नाश्ता बनवा दूँ।
बेटा तुम्हारी तरफ से तो दिल मुतमईन है, लेकिन रूमी की तरफ से खटका लगा रहता है, ना जाने कब क्या बोल दे। उसकी जबान का पता थोड़ी चलता है। इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ, आप लोगों को उसके घर जाना चाहिए था। बेटा नाश्ता ले जाने का यही मकसद होता है कि जाकर मालूम किया जाए कि सब खैरियत है या नहीं। हमसा ने मना कर दिया तो ऐसे थोड़ी जा सकते थे। तो अब आप उसकी हर बात मानेंगे? जी बेटा माननी पड़ती है, रिश्ता ही ऐसा। सही है, सब चीजें तो तैयार हो गई हैं। तुम चाय का पानी रख दो, वो लोग आते होंगे, मैं जरा बाकी चीजें देख लूं। ये प्रॉब्लम तुम्हारा कोई बिल्ट इन है या कोई लड़की दिल विल तोड़ के गई? क्या प्रॉब्लम? हाँ। ये जो एक्सप्रेशनलेस चेहरा है तुम्हारा, समझ नहीं आती कि खुश हो या उदास हो। अजीम भाई ज्यादा तंग तो नहीं करते? अच्छा सुनो, दूल्हे भैया पीछे से आ रहे, उनको इज्जत से अंदर लेकर आना। हाँ मैं सिद्दीकी साहब के पास जा रही हूँ। कैसी हो, खुश हो? बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से तुम्हारी खुशियों के लिए। अगर खुशियाँ अच्छी नहीं होंगी तो तकलीफ का अंदाजा होगा। बेटा रस्म तो ये थी कि हम नाश्ता लेकर आते, और हम गए भी थे कि इसके घर से होके आपकी तरफ आएंगे, लेकिन रूमी की कॉल आ गई है, मना कर दिया तुमने। आंटी क्या फर्क पड़ता है, हम आपके घर आए, आप हमारे घर आए, बात तो एक ही है। क्या वो अजीम भाई नहीं है? नहीं बेटा, हमारे साथ आइए। तुम लोग बातें बातें करो, मैं जाकर देखूं तुम्हारे अंकल कहाँ रहेंगे। सुनो तुमने ये तो बता दिया कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन मैं कहता हूँ एक दफा अपनी बहन से भी पूछ लेना कि वो खुश है कि नहीं। इतना बड़ा घर बनाने की क्या जरूरत थी उनको है? गार्डन थोड़ा सा बड़ा करते हैं। एक मिनट बेटा जी, एक मिनट। ये आप अभी मुझे कुछ रूटीन बता रही थी और अब घर गार्डन कहाँ से आ गया? अब्बू जरा भी सबर नहीं है ना आपको, है? सीक्वेंस से बता रही थी मैं। कहाँ थी मैं यार? वही घर और गार्डन। घर घर हाँ, उनका तो घर में करते हैं आप। शादी के बाद दामाद पहली दफा घर आया और आप इसके साथ बातों में लगे हुए हैं।
तो कौन सा आखिरी दफा आया है, आगे भी आएगा? आप थोड़ी कंपनी देना उसको। मैं आ रहा था बस अभी बात। इसकी तो फजूल बातें कभी खत्म नहीं होंगी। और ऐसी कौन सी बात थी जो हमजा के जाने के बाद नहीं हो सकती थी? आप चले। अरे मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कर। चुप चुप करो तुम, जब देखो फजूल पटर पटर करती रहती है। कोई इज्जत नहीं है इस घर में, कोई वैल्यू नहीं है, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। तेरा कमरा तो देखो जाके, कहीं कुछ बेच पास तो नहीं तेरे को? बस बेटा जी, तबीयत का क्या है, चलती रहती है 19-20। सच बात बताऊं आपको, घर में बैठ के ज्यादा कोफ्त होती है मेरे साथ। वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ आराम भी बहुत जरूरी है। मैं तो करता हूँ आराम, मैं दफ्तर से घर आके आराम ही आराम। नौकरी से ज्यादा दफ्तर जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो मतलब आपने सोच लिया है कि कल से काम पे जाना है? जब अल्लाह हिम्मत दे रहा है तो इंसान कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए अंकल, मुझे इजाजत देना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चाय पी नहीं आई, कुछ नहीं अंकल। अरे अंकल छोड़िए, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, तकल्लुफ करें। कहाँ रहेगा भैया, आप लोग चाय वाय लाए कुछ, थोड़ी खिदमत हो जाती है आपके बहाने हमारी भी। कुछ टाइम बताया उसने कब वापस आएगी? ना उसने बताया ना मैंने पूछा। अरे भाई इसमें टाइम बताने वाली क्या बात हुई, जब उसको आना होगा अजीम को फोन करेगी, जाके ले आएगा। अच्छा, ये अभी इतना फारिग है ना कि जब वो कॉल करेगी और ये दौड़ा दौड़ा चला जाएगा। और तुम्हें क्यों हंसी आ रही? इस बात पे कि शादी से पहले आप मुझे समझाती थी कि अरेंज मैरिज है, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अब आप बिल्कुल एक सास की तरह बात कर रही हैं। अरे ये तो अजल से होता चला आ रहा है और अब तक जारी रहेगा। देखो जी, मैं तब भी अगर तुम्हें समझा रही थी ना तो तुम्हारी भलाई के लिए, और आज भी अगर तुम्हें कह रही हूं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं बेटा। और काशिफ, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मुझे रवायती किस्म की सास नहीं बनना। तौबा तौबा तौबा, हमारी क्या मजाल कि ऐसा कहें बल्कि ऐसा सोचें। अच्छा मैं फोन करके चेक कर लेता हूँ कि कब तक आ रही है। कोई जरूरत नहीं, अगर उसने बताना मुनासिब नहीं समझा तो तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है। कुछ समझ में लगा आपको? बेटा अब उसकी बात है, सारी जिंदगी समझ नहीं आए, चाय पियो। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? चलो शुक्र है, फाइनली किसी को तो मेरा ख्याल आया कि मेरा भी दिल का हाल पूछ ले। सबको बस अपने नए दामाद हमजा की लगी हुई है, सब उसकी खिदमत में मसरूफ है। हुआ क्या है रूमी, हमजा ने कुछ? हाँ हमजा ने। मैं तुम बताती हूँ, देखो एक सेकंड, सुबह ना, सुबह मतलब सुबह के 10 बजे कोई, ठीक है ना, मैंने ना इतना सा पर्दा खोला, हाँ इतना सा, उसके मुंह पे हल्की सी रोशनी पड़ गई एकदम से। नहीं नहीं नहीं, पर्दा नहीं खोलना। अच्छा यार, पर्दा ही खोला, मेरी तो जान ही निकल गई कि पर्दे के पीछे क्या है, जिन है, क्या है, कौन है, कोई करता है इसे? मम्मी तुम साफ साफ बोलो ना, तुम हुआ क्या है? साफ साफ बोल रही हूँ, यही तो हुआ है। ये हुआ है
तुम मजाक सोच, अब मुझे लगा हमजा ने, तो हमजा ही ने तो किया, और मजाक नहीं है, सीरियस हूँ मैं भी, कोई करता है ऐसे? और उसके बाद क्या किया उसने? उठा ही नहीं वो 12-1 बजे तक नहीं उठा, और मैं पूरे घर में घूमती रही अकेले, कोई भी नहीं था, सिर्फ 4 लोग उस घर में, वो घर इतना बड़ा, समझ आ रही है तुम्हें? डर लग रहा था मुझे। तुमसे बात नहीं करनी। हुक्म देने का वक्त चला गया तुम्हारा हमला, हुक्म लेने का वक्त है। मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। हाँ, रिक्वेस्ट करके देख सकती हो। आप बिल्कुल भी मेरी फिक्र ना किया करें बेटा जी, और ये 1:30 बजे फोन भी ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें, मैं दवाई टाइम पे खा लूंगा। क्यों ना किया करूं फिक्र मैं, हैं? ये फजूली पाबंदियां लगाने की जरूरत है मुझ पे? अच्छा ना, करूंगी मैं फोन, और अगर याद आई ना तो रात के 2 बजे आके घर की बेल भी बजा के चली जाऊंगी। अरे लड़की, अगर खुश नसीबी से अच्छा ससुराल मिल गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ना कि अपनी बेवकूफियों से उनको नाराज कर दो। हेलो, खुशकिस्मत वो है जो मेरे जैसी बहू मिली है उनको, वो करे शुक्र अदा, मैं क्यों करूं? अरे बेटा, किसका फोन? अम्मी किरण पावर फोन कर रही है। बेटा जी, आप भी अपने ससुराल के बारे में कुछ बताइए ना, इनका ससुराल तो हिफ्स हो चुका है। सुनो, ये जो किरण उर्फ अजीम भाई है ना, क्यों सता रही हूँ उनको? जाओ बात कर, जाओ करो करो। मैं आती हूँ। बेवकूफ समझावे हमें, हैं? किरण का फोन है। हेलो, बेहतर होगा कि पहली बेल पे ही फोन उठा लिया करो। हमजा क्यों फोन किया? मर्जी मेरी, बात करने का दिल चाह रहा था मेरा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हुक्म देने का वक्त चला गया तुम्हारा हमला, हुक्म लेने का वक्त है। मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। हाँ, रिक्वेस्ट करके देख सकती हो, फिर शायद मैं कुछ सुनू समझू। प्लीज हमजा, मैं भी बात नहीं कर सकती, ट्राई करो। प्लीज हमजा। गुड, आगे। प्लीज हमजा, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती। ओके, मैं फिर फोन करूंगा जब मेरा मिल जाएगा। धीमी आहट तेरी आज भी दे सदाएं, पर जो जख्म दिल में छुपे बैठे कैसे।
आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये क्या है? ये मैंने रुमैसा और हमजा के लिए गिफ्ट लिया है। शादी पे एक्चुअली कुछ दे नहीं पाई थी तो सोचा कुछ अच्छा सा लूं और दे के आती हूँ। बेटा तुमने शादी में शिरकत की ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये जानते हुए कि तुम्हारी ख्वाहिश थी। आंटी अब हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती ना, अब जिद करके कुछ हासिल करने का क्या फायदा, जिसमें किसी और की खुशी शामिल ही नहीं। वाह भाई। हाय। हेलो। अच्छा एक बात बताओ, वो यहाँ पे जो सब कुछ है वो यहाँ पर भी है ना? सोया मामा कंफर्म कर रही थी सिर्फ। अच्छा ये फर्स्ट एड बॉक्स क्यों है तुम्हारे हाथ में? सब खैरियत तो है ना? ये हाँ सब खैरियत है, वो बस वहाँ पे रखने जा रही थी जहाँ पे इसकी जरूरत है। एवरीथिंग्स फाइन। ठीक है, चाय का कहो बेटा। विद जहर और विदाउट जहर? जोया जाओ। उसके लिए बाय। सुनो वो तरसी हुई रू आई है नीचे। कौन? हलिश्वा। ये यहाँ क्यों रख रही हो? ये तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। क्या है ना, वो जो शेरनी है ना वो किसी भी दिन बिदक सकती है। सोचो उसकी और तुम्हारी लड़ाई हो और उसने गुस्से में आकर ये वोज उठा के तुम्हारे मुंह पे मार दे। अब अच्छा लगेगा तुम ऐसी हालत में नीचे जाओ, फर्स्ट एड बॉक्स तलाश करो और मॉम एंड डैड तुम इस तरह देखे? नहीं, कमरे की बात ना हमको कमरे तक रहनी चाहिए। बकवास कर ली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सोचे तुम्हारी रुमैसा कभी भी किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। बी प्रिपेयर्ड। ओके ओके। अच्छा सुनो अब क्या है, नीचे आकर तसल्ली ही दे दो बेचारी को। आउट। दिल टूटा ना बेचारा। आउट। अच्छा वो आउट। बट शी इज आउट। ओके फाइन बाय। सोच लो एक बार। आउट। सही। नहीं भाई हंसने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ ठीक है ना, कोई शिकायत का मौका नहीं दीजिएगा। जी अच्छा शाबाश। वो असल में ना हमने अपनी हमना को बहुत नाजों से पाला, पलकों पे बिठा के रखा है इसको। रूमी क्या हो गया, बड़े बात कर रहे हैं ना? असल में कह रही थी कि कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपको भी हमजा को बतानी होगी ये बातें। उसको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसको तो मैं पलकों पे बिठा के रखूंगी ना, उसके नाज तो मैं उठाऊंगी, समझे? अच्छा जाकर देखेंगे कि सिद्दीकी साहब ने नमाज पढ़ी कि नहीं। सिद्दीकी साहब नमाज पढ़ ली? नहीं पढ़ी, जवाब नहीं आया ना। मैं देख के आती हूँ। सुने वो कॉल वाली ऑफर ना आपके लिए भी है, अगर ये तंग करे तो। भाई क्या है ना, खिलाओ सोने का नवादा अगर देखो शेर की निगाह से, समझे?
जी बेहतर। ये गई नहीं अभी तक? मैंने इसे डिनर के लिए रोक लिया है। यार मामा क्यों जुल्म कर रही है बेचारी पर, डिनर तक तो रुमैसा भी आ जाएगी। इसलिए तो रोका है, वो रूमी के लिए गिफ्ट लेकर आई है। देख लीजिएगा कोई बॉम्ब वॉम ना हो। जोया आई एम वार्निंग यू, अलिशबा के सामने तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे वो हर्ट हो जाए। मामा मैं कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन डिनर पर सीन होने वाला है। एक तरफ अलिशबा, दूसरी तरफ रुमैसा और बीच में बेचारा हमजा। वाह, कोई सीन भी नहीं होने वाला। जाओ जाकर हमजा को उठाओ और कहो कि रूमी को लेकर नो नो नो, वो सो रहा है और मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। जोया तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? चलो मामा। हेलो, कोई सो रहा था? कौन? जोजा हमजा खालिद। ओ, तुम हो। अरे पहचान लिया। अच्छा ऐसा है ना कि कल हमारी शादी हुई थी और शादी के बाद ना लड़की अपने शोहर के साथ ही रहती है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि शायद आपको पता ना हो। तो फिर मैं खुद आ जाऊँ या लेने आ रहे हैं आप? नहीं कभी। तुम रेडी हो? रेडी? मैं तो दरवाजे पे आस लगाए बैठी हूँ। ओके 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 मैं आता हूँ। बाय। आपसे एक बात करनी थी। जी जरूर कीजिए, इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। सही कहना था कि रूमी की बातों का बुरा नहीं मनाइएगा, वो ऐसी है, कुछ भी कभी भी बोल देती है। आपको क्यों लगता है कि मुझे रूमी की बातों का बुरा लगा होगा? इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है मेरी साली के साथ, और उसकी बातें सुन के मजा भी आता है। लेकिन हाँ, हमजा जरा बदनसीब रहा इस मामले में, उसकी आपके साथ दोस्ती नहीं हो सकी ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेज पे जब आप रस्म कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको जबरदस्ती स्टेज पे खड़ा किया गया। रूमी और मेरी तबीयत में फर्क है, मैं इतनी जल्दी नहीं घुल मिल सकती। आई अंडरस्टैंड कि हमजा को लेके बहुत खदशात थे आपके दिल में, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो खदशात दूर हो जाने चाहिए, क्योंकि अब तो शादी भी होगी और माशाल्लाह से रूमी खुश भी है। And I think that's all what matters. मुझे ना
सख्त नफरत है ऐसे जब चीजें कमरे में इधर उधर पड़ी होती है ना। नहीं तुम्हें नहीं लगता कि चीजें अपनी अपनी जगह पे तरतीब से पड़ी होनी चाहिए हाँ? मतलब अपनी अपनी जगह पे पड़ी होनी चाहिए यार। अरे क्या मैं ना अमना को भी कह रही हूँ कि यार चीजें जगह पे रखा करो मैं अगले घर तुमने जाना है मतलब वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में समझ लो ना बात। कपड़े अगर उठा रहे हैं तो फोल्ड करके जगह पे रख दो जूते अगर उठा रहे हैं तो उनको भी अलमारी में रख सकता है बंदा मतलब अगर जूते भी बंदा पहनता है तो जगह पे रखने चाहिए। करने लगी थी मैं क्वालिटी है ना बड़ी पसंद है मुझे जो तुम बिना बोले सब बोल देते हो ना। वाह यार कमाल किस अंडरटोन में तुमने बोला कि तुम्हारा गन मैं संभालूंगी और मेरा गन तुम। वेरी नाइस यार नाइस वेरी गुड मैं ना ये चॉकलेट डब्बा बाहर रख के आती हूँ पड़ा रातों खाती रहूंगी वापस आके मैं तुम्हारे घर संभाल दूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमजा को तुम्हें नजर क्या आया कुछ भी तो नहीं है तुम्हें पता नहीं तुम बताओ क्या नजर आया उसे मुझमें। हमजा को ना मैं बचपन से जानती हूँ। अच्छा पहले चीजों के लिए जिद करते हैं और फिर बहुत जल्द उसका दिल भी भर जाता है। तो फिर तुमसे कब दिल भरा उसका हाँ? मुझसे मुकाबला नहीं करो हार जाओगी। अबे यार थैंक यू सो मच थैंक यू दलावत पता क्या मैं इस घर में इतना बोर हो रही थी मतलब जिसको देखो मुझसे प्यार कर रहा है मोहब्बत कर रहा है कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं यार मतलब नो एक्साइटमेंट एट ऑल मैं समझ नहीं आ रही मैं कितनी खुश हो रही हूँ तुमसे। तुमने पता क्या करना है बस अच्छे से लड़ना है मुझसे ठीक है अच्छे से बहुत मजा आने लगा बहुत मजा आएगा मेरी प्यारी मेरी बच्ची तुमने ये तो बता दिया कि तुम बहुत खुश हो लेकिन मैं कहता हूं एक दफा अपनी बहन से भी पूछ लेना कि वो खुश है कि नहीं। एंटरटेनमेंट बन गई हो तुम मेरे लिए ये सोच के इतना सुकून में रहता हूं मैं कि तुम हर वक्त इस खौफ में रहती हो कि पता नहीं कब क्या कर बैठूं। और तुम्हारा खौफ ठीक भी है क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा। मेरी तूने ना सुनी कभी Oh,
इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा, इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा।